यह दुनिया का सबसे बड़ा हवरक्राफ्ट, यह सोवियत यूनियन के समय बना था। हवरक्राफ्ट नॉर्मल शिप से बहुत ज्यादा अलग होते हैं क्योंकि यह न सिर्फ पानी के ऊपर स्लाइड करते हैं बल्कि जमीन के ऊपर भी चल सकते हैं। इसे पावर देते हैं 3 M35 गैस टर्बाइन इंजन्स जो कि कई एयरक्राफ्ट्स में भी यूज हुए हैं। पानी में 115 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक चल सकते हैं और वो भी 555 टन लोड के साथ में। इतनी ही पावर वाली शिप कभी भी इसकी स्पीड को मैच नहीं कर सकती है क्योंकि उन्हें पानी के ड्रैग का भी सामना करना होता है, जबकि ये पानी के ऊपर हवर करके चलता है और इसीलिए ये इतनी ज्यादा हाई स्पीड तक जा सकता है। इसे अभी भी रशिया और ग्रीस की नेवी के द्वारा यूज किया जाता है। जनरली इसे टैंक्स और सोल्जर्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है और इस पर मैक्सिमम 500 सोल्जर्स को एक बार में कैरी किया जा सकता है। पर इमरजेंसी के लिए इस पर कई तरह के अटैक सिस्टम्स भी लगाए हुए हैं।